जरूर। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी बोलने के लिए। गुड बाय फैमिली, गुड बाय जो मूवी है एक फैमिली इमोशनल फ्यूनरल कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवी है। अक्सर हम हमेशा मारधाड़ वाले मूवीज़ देखते रहते, बट कौन सी ऐसी मूवी था जो हमारे दिल को टच हो जाती है, और वो इसमें से एक है। हमने बागवान मूवी देखी रहेगी तो आपको पता चल ही गया रहेगा कि बागवान में इमोशनल कुछ कभी खुशी कभी गम, ऐसे जो मूवीज़ है, ऐसे जो सब्जेक्ट है बहुत स्लो होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, जो लोगों के दिलों पर डायरेक्टली अटैक करते हैं, और ये उसमें की एक मूवी है। अमिताभ बच्चन के बारे में क्या बोलूँ सर, हैट्स ऑफ टू यू कि जिन मतलब उनके परफॉर्मेंस से ही आप रो दोगे, इतने कमाल का उन्होंने काम किया है। रश्मिका मंदाना, आई फील कि रश्मिका मंदाना ने उनके एक्सेंट के ऊपर काम करना चाहिए, हिंदी जो उनका एक्सेंट है उसके ऊपर काम करना चाहिए। पवेल गुलाटी, आई फेल्ट कि उनको मैंने तापसी पन्नू की मूवी थप्पड़ मेरे ख्याल से थी उसमें देखा था, और उसके बाद डायरेक्टली इसमें मैंने उनको देखा, आई फेल्ट कि पवेल गुलाटी की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर थी रादर देन रश्मिका मंदाना। सो सॉरी रश्मिका, बट आई लाइक द पवेल्स एक्टिंग। बाय द वे बात करना चाहूँगा म्यूज़िक की, तो अमित त्रिवेदी ने इस मूवी में म्यूज़िक दिया है, काफ़ी धमाकेदार म्यूज़िक दिया है, स्पेशली उनका जयकाल महाकाल मुझे गाना अच्छा लगा। और जो एक एक सीन होते हैं बैकग्राउंड स्कोर जो बोलते हम, जो इमोशनल जहाँ पे डालना चाहिए, जो इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर डालना चाहिए, उन्होंने अपना बेहतर एक रोल वहाँ पे निभाया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैकग्राउंड स्कोर सुनने में आ रहा है और स्क्रीन को बढ़ावा दे रहा है। अगर विकास बहल के बारे में बात करूँ, तो विकास बहल की हमने सुपर 30 मूवी देखी, उनकी अपकमिंग मूवी गणपत आ रही है, तो उन्होंने ये प्रूव किया है कि वो सिर्फ एक बायोपिक नहीं बनाएंगे, या फिर रामन राघव जैसे उन्होंने उनका भी थोड़ा सा बहुत हिस्सा था उसमें, और मारधाड़ वाली जैसे गणपत है, तो मारधाड़ वाली पिक्चर है, इन सारी चीज़ों को छोड़ के वो इमोशनल फैमिली ड्रामा मूवी बना सकते हैं, ऐसा उन्होंने प्रूव किया, और काफ़ी मुझे पसंद आई ये मूवी। और मैं दर्शकों को यही विनती करना चाहूँगा कि आप ज़रूर जाए, इस मूवी को बढ़ावा दें, इस मूवी को सपोर्ट करें, और ये बहुत ही खूबसूरत मूवी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने फील किया वैसा ही आप फील करें, और जाते थे इस मूवी को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूँगा। थैंक यू, अमेजिंग मूवी है एंड मज़ा आया, बहुत इमोशनल मूवी है। या मतलब सुनील ग्रोवर की जब एंट्री हुई, मतलब जब मूवी का फॉल डाउन वाला मोमेंट था ना, कि अब यहाँ से मूवी ऐसा लग रहा था कि अब बोर होने लगा, और बहुत ज़्यादा हैवी और हैवीनेस होने लगी थी इमोशंस के साथ, तब जब सुनील ग्रोवर की एंट्री हुई तो वो बहुत कमाल की एंट्री थी, और सुनील ग्रोवर तो हमेशा आते हैं तो लिफ्ट दे देते हैं। रश्मिका कमाल थे, बट रश्मिका के लिए ये बोलना चाहूँगी कि अगर वो डिक्शन थोड़ा साउथ वाला वो आ रहा था ना, वो हटा दे अगर उसको माइंड ना करे तो, बट रश्मिका की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर था रश्मिका का। साथ ही म्यूजिक भी बहुत अहम रोल प्ले करता जी, बिल्कुल बिल्कुल, म्यूजिक बहुत कमाल का था, जब भी मतलब इमोशंस आ रहे थे तो हम होल्ड करके ज़बरदस्ती से बैठ रहे थे कि निकले ना वो आंसू, बट जैसे ही वो म्यूजिक का पंप आता था तो वो एकदम सडन आंसू आना शुरू हो जाते थे। तो 4.5, थैंक यू। मुझे मूवी अच्छी लगी, बट बहुत ही ज़्यादा स्लो पेस्ड है। मतलब विकास बहल की हमने क्वीन मूवी देखी थी, कितना सीमलेसली, और कंगना रनौत ने वो मूवी में ये किया था। इसमें तो मेन फैक्टर जो मुझे एक फ्लॉ लगा वो एडिटिंग था, इट कुड हैव बीन क्रिस्प। 2 hours 20 minutes, आई मीन रियली, मतलब आप 2 घंटे में मूवी बना सकते थे, वॉट एवर दे हैड टू शो। इट्स अ सोशल ड्रामा, ह्यूमन इमोशंस दिखाए गए हैं, वो सब माना गया, बट इट्स फॉर निश ऑडियंस, हमारे जैसी ऑडियंस को पसंद आएगी, बट मास एंटरटेनर नहीं है, तालियों और सीटें नहीं बजेंगी। तो इट्स अ वन टाइम वॉच, बट डेफिनेटली द डायरेक्टर शुड इंट्रोस्पेक्ट नाउ, जो ये 2.5 घंटे 3 घंटे के बनाया जा रहा है, अनलेस योर कॉन्टेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अभी साउथ इंडियन डायरेक्टर्स का कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो दे गेट अवे विद 2 hours 2.5 hours 3 hours, बट इंडियन फिल्म मेकर्स बॉलीवुड वालों को 2 घंटे से ज़्यादा की बनानी नहीं चाहिए। देखिए अमिताभ बच्चन तो हमेशा की तरह, उनको कोई भी रोल दे दीजिए, कितनी भी फ्लॉप मूवी हो वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, तो उनका बहुत ही अच्छा किरदार था, और नीना गुप्ता जी का भी किरदार बहुत अच्छा था, पर उनका छोटा रोल था और ज़्यादा हो सकता था, और पवेल गुलाटी जी का भी अच्छा रोल लगा मुझे। रश्मिका मंदाना का रोल अच्छा था, बट शी हैड दैट साउथ इंडियन एक्सेंट। अभी देखिए पुष्पा मूवी में वो फटाका टाइप का रोल उन्होंने किया, बट ये मूवी में उनका थोड़ा संजीदा रोल था, बहुत ही माइल्ड और सबमिसिव, तो वो जब डायलॉग धीरे धीरे बोल रही थी तो साउथ इंडियन एक्सेंट बहुत उभर रहा था उनकी स्पीच में। शी कुड हैव इम्प्रोवाइज्ड, क्योंकि ये पंजाबी फैमिली दिखाई है,
और ये मूवी देख के मुझे वो एक सीमा पावे जी ने मूवी डायरेक्ट की थी राम प्रसाद की तेरवी, वो पसंद आई, पर वो मुझे इससे ज़्यादा एंगेजिंग लगी। यस, देर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स प्लेड इन द बैकग्राउंड, है ना। मुझे एक दो सॉन्ग अच्छे लगे, एक चन परदेसी और एक और सॉन्ग था माई। अदर देन दैट अमित त्रिवेदी का म्यूजिक ठीक है, बट स्लो पेस्ड इतनी ज़्यादा है कि यू नो एट वन पॉइंट इट गॉट सो मोनोटोनस इन द सेकेंड हाफ कि लग रहा था इट इज़ बीन ड्रैग्ड। देखिए मुझे सिनेमेटोग्राफी अच्छी लगी सुधाकर रेड्डी अंकंती की, श्रीकर प्रसाद की एडिटिंग क्रिस्प हो सकती थी, विकास बहल का डायरेक्शन अच्छा है, सबकी परफॉर्मेंसेज अच्छे हैं, तो आई स्टिल गो विथ 3 स्टार्स। देखिए गुड बाय मूवी देखी, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग अच्छी लगी, बाकी पिक्चर में एंटरटेनमेंट बोल के कुछ है नहीं। लग रहा है कि प्रार्थना सभा में आए हो और पूरा मरण का प्रार्थना सभा के बाद बाहर आ रहे हैं। इंटरटेनमेंट बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं निकला। अमिताभ बच्चन है, नीना गुप्ता है, वो साउथ वाली हीरोइन है, इतना बड़ा स्टार, और पिक्चर में उतना मजा नहीं आया जितना सोचे थे। अगर म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक कितना पसंद आया? म्यूजिक में एक दो गाने हैं वो अच्छे हैं, बैकग्राउंड से एक गाना है लास्ट में महाकाल वाला गाना है वो अच्छा है थोड़ा। साथ ही इतने टाइम बाद अमिताभ जी को देखा स्क्रीन पे, कैसा लगा उनका काम? उनका काम का तो कोई मतलब ही नहीं है, उनकी जो एक्टिंग है वो तो सबसे टॉप है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, और पूरा पिक्चर उन्होंने खींचा है। देखिए मूवी जो होती है और जो स्टार होता है उस इसमें इंटरटेनमेंट नहीं है, इसके लिए 2-2.5 स्टार बहुत हो जाते हैं इसके लिए। 8 फिल्म जो हाँ ये 8 मूवी जैसा बना है ये इंटरटेनमेंट मूवी नहीं है। ओके थैंक यू। वन टाइम वॉच है, एवरेज फिल्म है, ज़्यादा ट्रेजिक ज़्यादा है उसमें, और फैमिली का नोक जोक दिखाया है यंग एंड ओल्ड का। अमिताभ और उनकी जो नई हीरोइन का केमिस्ट्री अच्छी है। साथ ही ट्रेलर देखते ही ये भी पता चल रहा है कि बाप और बेटी का जो बॉन्ड है कहीं ना कहीं वो किचकिच दिखती है, कैसा लगा है, क्या लगता है कितना अट्रैक्ट करेगा ऑडियंस में? थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा नहीं। अगर म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक कितना पसंद आ रहा है? म्यूजिक ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन इमोशनल सीन जो है वो पब्लिक को थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सीन है उसमें। कॉमेडी के स्टार माने जाते हैं सुनील ग्रोवर भी इसमें है। सबसे अच्छा काम उनका ही है, सबसे अच्छा शॉर्ट रोल है, गेस्ट अपीयरेंस है, फिर भी अच्छा काम अच्छा है। 3। हाँ जी, मूवी वॉज एक्चुअली इट्स अ फैमिली मूवी, और अगर आप फैमिली के साथ देखने आ रहे हो इट्स अ वेरी टचिंग मूवी। आपको सैड मूवी है, आपको मतलब एंड में आपको इमोशनल हो ही जाता बंदा चाहे जैसी भी हो मूवी, पर फिर एंड में एक चीज़ होती है कि अगर आप यंगस्टर्स कॉलेज स्टूडेंट आ रहे हो तो इतना तुम्हें नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा, पर अगर फैमिली के साथ ही आना चाहिए इसको, और मॉम डैड को लेके आओ, उनको पता लगेगा। हार्ड हिटिंग है, पेरेंट्स के साथ आना चाहिए, बच्चों के बारे में बताया कि बच्चे और पेरेंट्स का रिलेशन कैसा होना चाहिए और आगे से उनको कैसा पोर्ट्रे होता है। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स आफ्टर वाचिंग द मूवी। यस, साथ ही सुनील ग्रोवर भी है। हाँ, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग बेस्ट, सुनील ग्रोवर और अमिताभ बच्चन की एक्टिंग अमेजिंग थी इसमें, बेस्ट सुनील ग्रोवर के लिए। हाँ, बेस्ट एक्टिंग, अगर वो ना होता मूवी में एक फैक्टर रह जाता। एक्चुअली वो आया है कॉमेडी कर रहा है, सीरियस बातें कर रहा है, बेस्ट। हाँ, वो चीज उसी के कारण ही मेन मजा आया हमें, वही एक फैक्टर था, और उनकी एक्टिंग। म्यूजिक अच्छा था। हाँ, उतना ध्यान नहीं दिया हम लोग ने। हाँ, अच्छा था। हाँ, म्यूजिक अच्छा था, पर कई चीजों में जैसे अच्छा हो सकता है, जैसे उनका पास्ट दिखा रहे थे तो पास्ट और फ्यूचर में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, वरना बहुत बढ़िया थी मूवी, बहुत बढ़िया। 3.5 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
convince the audience? Audience? Oh, I think they should watch it with families and stuff, not with friends. Why the audience
3.5 बिकॉज कि कई बार क्या होता है कि एक इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है और चले जाने के बाद हम कैसे कैरी करते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चलता है, हम कैसे उसको गो थ्रू करते हैं, सो उस सिचुएशन में कैसे रह के हम उसको कर पाते हैं। सो सभी एक्टर ने बहुत ही सहज और बहुत ही सरल तरीके से उसको काम किया है, सो बहुत ही अमेजिंग है। डायरेक्टर का थॉट वाइज, डायरेक्शन वाइज बहुत, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा, मुझे मज़ा आया। मतलब हाँ, बच्चन साहब का बहुत ही अच्छा काम था। बेसिकली जब घाट का सीन होता है, वो अस्थियाँ विसर्जन करने जाते हैं, उस समय जो वो सीन बना और एक टाइम पे मूवी हल्की सी फॉल डाउन सा हो रहा था, देन सुनील ग्रोवर की जो एंट्री हुई और उन्होंने जो लाइट मूवमेंट्स के साथ क्या मैसेजेस दिए, सो मूवी वाज सो अमेजिंग। म्यूजिक, सॉरी मैं म्यूजिक कैसे भी भूल सकता हूँ। म्यूजिक का जो इंटेंस था कि कैसे म्यूजिक एक आपकी लाइफ में आके और किस तरीके से फ्लो बनाता, मतलब एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। 5